किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यास, जीना इसी का नाम है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यास, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, बहुत गुड। आपने सुना ये मुकेश जी का गाया हुआ गीत, मुकेश माथुर। मुकेश माथुर कौन जी? और हमारे साथ मौजूद हैं मधुसूदन खंडेलवाल, जिन्हें इंदौर के लोग मधु मुकेश के नाम से जानते हैं। तो मुकेश तो सदी के महानतम गायक, जिनकी आज 44वीं पुण्यतिथि है, और मधु मुकेश यानी इंदौर के मधुसूदन खंडेलवाल, जिन्हें मुकेश के नाम से जाना जाता है। स्वागत है मधु जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने गीत सुना, आप समझ गए कि हर वर्ष की तरह हमारे साथ मधु मुकेश मधुसूदन खंडेलवाल जी होते हैं। पेशे से ये व्यापारी हैं, लेकिन गायकी के प्रति इनका रुझान देखते ही बनता है। सोशल मीडिया पर जो गायक सबसे ज्यादा इंदौरी सक्रिय होते हैं, उनमें से मधु मुकेश जी एक प्रमुख नाम है। साथ ही तमाम सारी अपनी व्यस्तताओं के बीच मुकेश के प्रति इनकी दीवानगी देखते ही बनती है। मधु भाई, ये झुकाव आपका कैसे रहा मुकेश जी की तरफ? सुनील भाई, मुकेश जी की तरफ झुकाव ऐसा रहा मेरा कि मैं जब बस ये समझ लीजिए कि जब इसमें मैंने कदम रखा ही था गायकी की दुनिया में, तब मैं सभी सिंगर्स को एक्चुअली गाता था मैं, तो कहीं मुझे ऑडियंस ने ये कहा कि जब आप मुकेश जी को गाते हैं तो आप काफी सिमिलर है, काफी नजदीक उनको पाते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन मुकेश जी पर किए। फिर मैंने मुकेश जी को बिल्कुल बारीकी से सुनना शुरू किया और मुकेश जी को अब कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने गाया मुकेश जी, तो मुकेश जी है और मैं कहाँ हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ उनको पूरा निभाने की। वहां तक मैं पहुंचता हूँ, मेरे ऑडियंस भी मुझसे बहुत खुश है, उनको जब गाता हूँ तो वो भी मेरे साथ में बहुत प्रसन्न रहती है। मुकेश जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सदी के महानतम गायकों में से एक थे। मुकेश जी की आवाज में जो दर्द था, उनकी आवाज में जो मॉड्यूलेशन था, वो लाजवाब था। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है सुनील भाई साहब, क्योंकि मुकेश जी ने सबसे कम गीत गाए सभी सिंगर्स के अपेक्षा में, लेकिन सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स जो नंबर है वो मुकेश जी को है, और मुकेश जी का गाना जो है वो हर किसी को लगता है कि ये गाना मेरे लिए बना है, और हर किसी के बहुत करीब है मुकेश जी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत ज्यादा पॉपुलर है? सुनील भाई, वैसे तो मुकेश जी को दर्द का ही बादशाह कहा जाता है, पर मैं थोड़ा सा इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मुकेश जी के रोमांटिक सॉन्ग भी इतने पॉपुलर हैं, इतने बढ़िया गाए उन्होंने कि सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं कहीं तो कलाकारों को लेकर के भी इंडस्ट्री में चलता रहा कि दिलीप साहब के गाने ये नहीं गाएंगे, मनोज साहब के गाने ये नहीं गाएंगे, अदर सिंगर्स की भी, राज कपूर साहब को उनका एक वो माना जाता है कि राज कपूर साहब की आवाज रहे, लेकिन दूसरे भी जो कलाकार रहे उनको भी मुकेश जी ने अपना वॉइस दिया है, और उनके रोमांटिक सॉन्ग अगर आप सुनो, चांद से महबूबा मेरी, मनोज कुमार को दिया ये गाना, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे सिंगर रहे होंगे ऐसा करके। तो चलिए फिर, आप क्या सुना रहे हैं आप मुकेश जी की आवाज में? मुकेश जी का एक और मैं आपको फिलोसोफर सॉन्ग सुनाता हूँ, ओरे ताल मिले नदी के जल में। जरूर जरूर। Oh,
पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। पूरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। पूरे ताल मिले नदी के जल में। क्या बात है, बहुत खूब। मधु भाई, ये कुछ अलग मूड का गाना था मुकेश जी के लिहाज से देखा जाए। हाँ बिल्कुल सर, ये बिल्कुल अलग मूड का गाना था और मुकेश जी ने सारे मूड के गाए। सुनील भाई, मुकेश जी ने सभी मूड के गाने गाए हैं और अलग अलग भाषाओं में भी गाए उन्होंने काफी गीत। क्या लगता है आपको, आप लंबे समय से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ और आपकी गायकी में मुकेश जी का लंबा गहरा प्रभाव है, आज के युवा भी गाने की तरफ झुकाव रखते हैं, गाने के लिए अलग अलग जगहों पर संगीत सीखने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए वक्त लिया है, लेकिन आज के युवा को वक्त नहीं चाहिए, उसको बस तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए, इसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ थोड़ा सा मैं वो काफी आजकल सुन रहा हूँ, जब से ये टेक्निकल भी थोड़ा सा सुविधाएं हुई है, हर आदमी एकदम गाने के लिए बहुत आतुर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा पहले रियाज करना चाहिए, अपन क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं ऐसा करके उनको रियाज की बहुत जरूरत है, बहुत बारीकी सुनने की जरूरत है। मैं कहीं सुनता हूँ लिरिक्स मिस्टेक करते हैं, कहीं कोई ब्रीथिंग का प्रॉब्लम रहता है, काफी कुछ कमियां है लोगों में और हो सकता है मुझमें भी कोई कमी परिपक्व, मैं अपने आप को भी नहीं मानता हूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि बहुत सोच समझ करके कोई चीज पोस्ट करूं या उसमें डूबू। मैं मेरा सुनील भाई डेली का मेरा रियाज है, सबसे बड़ी बात तो बताऊं आपको, अभी कोरोना चल रहा है और मैं शंखनाद करता हूँ, मेरा शंखनाद एक मिनट का होता है कंटिन्यू, वो भी अपने आप में एक ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैं रियाज करता हूँ, हारमोनियम पर सरगम का रियाज करता हूँ और गानों को बहुत बारीकी से सुनता हूँ, कहीं भी कोई वैसा नहीं हो जाए कि अपने से कोई मिस्टेक हो जाए ऐसा करके। सही बात है, जरूरी भी यही है कि आप जब तक अपनी गायकी को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे और एक दिन में मुकाम हासिल नहीं होता। बिल्कुल सही बात। क्या क्या सुनाने जा रहे हो अगला गीत? मैं जैसा कि आपने अभी अपने पिछले बात की कि मुकेश जी ने सिर्फ सैड सॉन्ग ही नहीं गाए, रोमांटिक सॉन्ग भी गाए, तो मैं मुकेश जी का एक रोमांटिक सॉन्ग आपको सुनाना चाहूंगा, तौबाए मतवाली चाल। ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल
सितम ये अदाओं की रानाइयां है, सितम ये अदाओं की रानाइयां है, कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयां है, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयां है, कितन से उड़ता गुलाल कहां, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहां, तौबा ये मत वाली चाल। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया आपने इस गीत को गाया। और लोगों के मन में जो कई बार भ्रांतियां होती है कि मुकेश जी सिर्फ सैड सॉन्ग ही अच्छे गाते हैं, ऐसा नहीं है। इस गाने से इस बात को बल मिलता है कि मुकेश जी हर तरह के गानों में माहिर थे, चाहे वे रोमांटिक हो, चाहे सैड सॉन्ग्स हो, चाहे अन्य कई तरह के गीत हो। दो गीतों की भी प्रस्तुति अलग अलग मूड की भी दी है, यहाँ पर दर्दीले गीत की भी दी गई है और रोमांटिक की भी दी गई है, तो अलग अलग तरह के गीतों की प्रस्तुति मधु मुकेश जी ने दी है। बहरहाल मधु भाई, जिस तरह का दौर ये चल रहा है, आज का जो युवा है वो गायकी की तरफ अपना ध्यान तो रखता है, गायक बनना भी चाहता है, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि कम समय में बनना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका झुकाव पुरानी पीढ़ी के गायक, चाहे रफी साहब हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे मुकेश जी हो, इन किसी की तरफ नहीं, उसका झुकाव जो है आज के जो गायक हैं, चाहे वो कई सारे गायक हैं नए नए, जो तमाम सारे गायकों को गाने की कोशिश करते हैं, तो क्या लगता है, तो इस तरह से जब नए गायक करेंगे तो फिर पुरानी पीढ़ी के गायकों को याद करने का क्या जरिया? सुनील भाई, मेरा इसमें एक मानना है कि आज के जितने भी ये जो सबसे हैं इनको सितारे कहेंगे अपन, और जो पुराने जितने भी कलाकार हैं वो कलाकार हैं एक्चुअली। तो सितारे क्या होते हैं कि कुछ देर टिमटिमा करके और खत्म हो जाते हैं, लेकिन कला जो है वो अजर अमर होती है। जो पुराने कलाकार को उनका कोई सानी नहीं है, वो चाहे मेल सिंगर्स हो या चाहे फीमेल सिंगर्स हो। पर आप अपन खुद भी अभी मार कर रहे हैं कि कोई भी गाना एकदम उठता है और बहुत जल्दी वो बाजार से आउट भी हो जाता है, और ये गाने हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, 70-70 साल के गाने के हो गए, और आज भी हम उसी मिठास से गाते हैं और श्रोता उसी अंदाज में सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुराने गायकों की, जहां तक मैं समझता हूँ। सुनील भाई, सही कहा आपने, और वाकई में ये 70 साल पुराने, 50 साल पुराने, 60 साल पुराने गाने हैं जो हमेशा अजर अमर गीत है और हमेशा लोग उनको गाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, आज भी लोगों की जीवनी पर ही आधारित गाने हैं ये, बिल्कुल जिसको अपन कहते हैं कि बिल्कुल उनके जो शब्द हैं वो एक एक सार्थक हैं, उनका शब्दों का मतलब है एक्चुअली। सही कह रहे हैं, लिरिक्स जो है वो काफी मेहनत करके लिखे गए हैं, काफी कुछ उनके बारे में अध्ययन करके लिखा गया है, उन लिरिक्स का मतलब है उसका, उस गाने से गहरा नाता होता है, स्टोरी से गहरा नाता होता है। बहरहाल आप क्या सुनना चाह रहे हैं? मैं इस मौके पर मुकेश जी को, जो खुद को सबसे ज्यादा पसंद गीत था, और मुकेश जी उस गाने को रिकॉर्डिंग करने के लिए शाम को 5 बजे बैठे थे कल्याण जी आनंद जी के साथ में, और कल्याण जी आनंद जी ने जब उनको कहा कि भाई ये गाना हो गया है, बिल्कुल बढ़िया हो गया, तो मुकेश जी ने कहा नहीं, अभी और मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, और अच्छा गाऊंगा, और अच्छा रिकॉर्डिंग करूंगा। आप मानिए 40 टेक हुए उसके गाने के, और 41वें टेक में मुकेश जी ने वो गाना अब बोला कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब आप ये गाना रिकॉर्ड करिए। तो पहले के कलाकार ऐसे थे कि जो खुद सेटिस्फाइड नहीं थे, जबकि उनके संगीतकार कह रहे हैं कि भैया ठीक है, पर मुकेश जी जब तक संतुष्ट हो, आइए अपन वही गाना सुनते हैं जो मुकेश जी को स्वयं को बहुत पसंद है। क्या बात है, जरूर। फिल्म पूरा पश्चिम से गीत है ये। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे,
कभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कवल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। क्या बात, बहुत खूब। वाकई में मुकेश जी के गीतों की विविधता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि, जाने माने गायक मधुसूदन खंडेलवाल, जिन्हें इंदौर में संगीत के प्रेमी मधु मुकेश के नाम से जानते हैं। मुकेश जी के प्रति इनका डेडिकेशन काफी जबरदस्त है। और अभी जब मैं कई बार देखा हूँ कि मुरारी बापू के सामने भी मधुसूदन खंडेलवाल जी ने अपनी प्रस्तुति दी, मुरारी बापू सब तरह के शायरों को, गायकों को सुनते हैं, मुकेश जी के प्रति उनका गहरा लगाव है और मधुसूदन जी की प्रस्तुति को भी काफी उन्होंने सराहा था। क्या कहते हैं? बिल्कुल सुनील भाई, वो दिन मेरा बहुत सौभाग्य का दिन था जब बापू ने मुझे याद किया और मैं उनके सामने बैठ करके उनको गुनगुनाया सुनाया। बहुत मतलब मेरा यूं समझ लिया कि जीवन धन्य हो गया। और मैं क्या कहूँ उसके बारे में, तो उनका आशीर्वाद है सबका। ये आप सब लोगों का स्नेह है मेरे प्रति जो मैं आज ये सब परफॉर्म कर पा रहा हूँ अच्छे से। मुकेश जी का एक गीत आपको सुनाना चाहूंगा मैं सुनील भाई जी। बहुत अच्छा गाना, मेरे बहुत करीब है वो गाना भी, तो आप सुनिए वो भी और ऑडियंस को भी पसंद आएगा। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार ना कर। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। क्या बात है, सही कहा था आपने कि जो गीत आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत ही खूबसूरती के साथ मुकेश जी ने गाया है। और यहाँ ये सब बातें बहुत, इस बात को बल मिलता है मुकेश जी मधु भाई की, हम जब बात कर रहे थे कि लिरिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है आज के गाने। बिल्कुल, ये जो लिरिक्स पहले जो लिखे गए हैं उनमें काफी सारी
रिसर्च की गई है और काफी सारी उसकी भावनाओं को भी व्यक्त किया गया है। बिल्कुल चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, उसके पहले एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आता है कि आप एक व्यापारी आदमी हैं, व्यापार करते हैं, आपके व्यवसाय के प्रति भी आपकी जवाबदारी बनती है, तो संगीत और व्यापार इन दोनों में से पहला प्यार क्या आपका, और कितना न्याय आप अपने व्यापार और संगीत के साथ कर पाते हैं? सुनील भाई, अगर ये मैं कहूँ कि बगैर मतलब पहले रोजी बाद में रोजा, तो वो बिल्कुल मुनासिब बात होगी। रोजी पहले है मेरे लिए, संगीत तो सेकंड है, मैं ये चाहूंगा। लेकिन मैंने कुछ बैलेंस इस हिसाब से कर रखा है कि संगीत में भी पूरा समय देता हूँ और व्यापार में भी पूरा समय देता हूँ। मेरी अपनी जो जवाबदारियां हैं बहुत अच्छी भली भांति में सब निभा रहा हूँ, और मैं क्या निभा रहा हूँ, ईश्वर मेरा बहुत साथ दे रहा है इन सब चीजों में, कि मुझे कहीं ना कहीं, जैसे कि आज भी आपसे मैं मुखातिब हूँ, तो ये कहीं ना कहीं अपन समय निकाल करके मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूँ। काफी कुछ आज प्रोग्राम भी है शाम को मेरा लाइव सेशन में, तो वो सब ईश्वर की कृपा है मुझ पर असीम, और माँ सरस्वती की कृपा तो मुझ पर है ही सही। चलिए, ईश्वर की कृपा बने रहे, माँ सरस्वती की कृपा बने रहे, और साथ में आपके व्यापार के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बने रहे। बहरहाल, इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ मधुसूदन खंडेलवाल जी के साथ, लेकिन जाते जाते मधुसूदन खंडेलवाल जी को जरूर सुनिए। मैं वही सॉन्ग सुनूंगा कि हम चाहेंगे कि ये लेजेंडरी हर साल हमारे साथ बार बार आए, इनका पुनर्जन्म हो, और वो जाने वाले तो हो सके लौट के आना। जाने वाले हो सके तू लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तू लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, भूलेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। क्या बात है, बहुत खूब। और मधु जी, आपका हमसे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।